पुरुषार्थ से जब क्रिया करते हैं तो कज्जम खु सहलम हवे, तब जाके कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कार्य में सफलता मिलना मुश्किल है। सफलता के लिए तो पुरुषार्थ जरूरी है, और अगर ठान लो ना तो हो ही जाता है। बोलो, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ऐसा हुआ, एक बड़े सेठ जी थे, बहुत धनवान थे, लेकिन समय सबका बदलता है, उनका भी बदला और धन संपत्तियां एकदम छीन हो गई। यहां तक स्थिति हो गई कि उनके युवा बेटे के लिए संबंध मिलना भी कठिन हो गया। एक दिन की बात है कि किसी निमित्त से सज सवर करके तैयार होकर के घर के बाहर निकले, बेटे को भी बढ़िया कपड़े पहनाए और वो भी अच्छे से सज सवर करके, और जैसे ही घर के बाहर निकले तो देखने वाले, जब तक लक्ष्मी होती है तो सारे उल्लू धोक देते हैं। लक्ष्मी कम पड़ जाएगी, उल्लू भी। तो सम्मान करने ही वाले कुछ परिचय के ही लोग सामने चबूतरे पर बैठे थे, और उन्होंने व्यंग किया कि आज तो सेठ साहब कहां चल दिए हैं, ऐसे लगता है कि अपने राजकुमार को राजकुमारी से शादी करवाने के लिए जा रहे हो। कर देते ना व्यंग, उनको बात चुभ गई। उनने कहा कि हाँ, हम अपने बेटे के लिए राजा की लड़की का हाथ मांगने के लिए जा रहे हैं। गए, चले गए, जाना किसी और काम से था, चल गए सीधे राज महल की तरफ चले गए। राजा से मिलना है, राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि आने दो सेठ जी को, कोई बात नहीं। कैसे आना हुआ, क्या बात है? उनने भी अपनी बात कह दी कि देखिए महाराज, आपकी कन्या भी बड़ी हो गई और हमारा बेटा भी बड़ा है, दोनों समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के लिए आपकी लड़की का हाथ आप। राजा को बहुत गुस्सा आया, अपनी हैसियत देखी, इसको धक्के लगा के बाहर निकाल दो, और धक्का निकाल के बाहर निकाल दिया। कितना बड़ा अपमान हुआ, पूरी सभा हंसने लगी, लेकिन उनने हिम्मत नहीं हारी, घर की तरफ वापस चल दिए। वही लोग वापस मिले, उनने पूछा क्यों, राजकुमारी मिल गई आपके राजकुमार को? उन्होंने कहा कि आज तो नहीं मिली, आज तो धक्कम धक्का हुआ, धक्कम धक्का हुआ। दूसरे दिन फिर उसी तरह से तैयार होके चल पड़े। पूछने वालों ने पूछा तो नहीं, लेकिन वो सीधे राज दरबार में पहुंच गए। राजा ने कहा आज फिर आ गए, क्या काम है आज? उन्होंने काम तो मैं कल ही बता चुका। राजा को फिर गुस्सा आया, उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेगा, इसको दो चार मुक्के लगाओ और बाहर निकालो। फिर मुक्के लगाए सैनिकों ने और बाहर निकाल दिए। अब वापस गए तो फिर वही लोग मिले वापस, आज क्या हुआ? तुमने कहा कि आज मुक्कम मक्का हुआ, मुक्के पड़े। अगले दिन फिर गए, राजा ने आओ देखा ना, ताओ गुस्से में थू किया, आदमी का इतना अपमान हो गया फिर बाहर आ जाता है, निकाल दो बाहर। फिर मिले उन लोगों ने, फिर पूछा भाई आज क्या हुआ?
आज थुक्कम थुक्का हुआ, मेरे नाम से ही थूक दिया। अब रानी जो थी रोज रोज देखती थी पर्दे की आड़ से कि मामला क्या चलता है। रोज रोज बात तो सही कह रहे सेठ जी, और उनने राजा को समझाया कि देखिए आप 3-4 दिन से उस आदमी का अपमान कर रहे हो, वो कभी नगर सेठ रहे हैं, हैं? पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है, और अपनी बिटिया के लिए, उनका लड़का बहुत अच्छा है, समझदार है, गंभीर है, इतना सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं बोलता, गुस्सा नहीं करता, और शालीनता से पिता के साथ आता है और वैसे ही चला जाता है, तो ऐसा लड़का ढूंढने से भी मिलेगा? ऊंचा पूरा समझदार और साहसी, बस रुपया ही पैसा नहीं है, और आपके रहते रुपये पैसे क्या कमी है, अगर आप चाहो तो उनको रातों रात अमीर बना दो और अपनी लड़की का रिश्ता उनसे लगा दो। राजा ने सोचा बात तो सही है, एक ही लड़की है, कोई राजकुमार भी नहीं है, आंखों के सामने रहेगी, सब विश्वसनीय है, ये भी पता है कि परिवार अच्छा ही है, गरीब हो गए तो क्या हुआ। अगले दिन फिर आए, फिर राजसभा लगी, फिर सेठ जी आए, फिर राजा ने कहा अब क्यों आए हो। उन्होंने कहा कि महाराज विषय तो आपको पता ही है। राजा ने कहा फिर बोलो एक बार। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ हम चाहते हैं। राजा ने कहा कि चलो हमारी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे को दिया। भाई परिवार तो तुम्हारा अच्छा ही है, समझदार लोग हैं, खान पान अच्छा है, खानदान अच्छा है, बस किसी कारण से रुपया पैसा कम हो गया, तो हमारी बेटी जब तुम्हारे घर में जाएगी तो उसके साथ खजाना भी आएगा और पक्का होगा। अब बस मुहूर्त निकाल के, और अब जब वापस गए तो सैनिक लोग भेजने गए, रथ पर सवारी वापस गई, अब तो समधि बन गए ना, और अब लोगों ने पूछा ही नहीं, देखा कि लवाजमे के साथ घर आ रही है सवारी, तो पूछा ही नहीं, सिर्फ देखते रह गए। तो उनने कहा भाई आज नहीं पूछोगे, तो किसी ने एक ने पूछा धीरे से भाई आज क्या हुआ। उसने कहा आज छक्कम छक्का हुआ, जिंदगी में बिना मेहनत के छक्कम छक्का नहीं होता है, पहले धक्कम धक्का होता है, फिर एक ही बार में नहीं हो जाता है, और हमने हिम्मत रखी, पुरुषार्थ किया तो बस अब सब आप हमारी इस खुशी में शामिल हों, एक अच्छे मुहूर्त में सब बारात लेके चलेंगे, आप सब बाराती बनना, और छक्कम छक्का वहां बढ़िया गुलाब जामुन मिलेंगे, बढ़िया भोजन करना, लेकिन उस सब के पहले मेहनत करना। ऐसे ही नहीं पुण्य फलता है ज्ञानी, सुबह सुबह नहा के जब श्री जी को नहाते हैं तभी महान पुण्य का फल पाते हैं। खुद के खाने के पहले मुनिराजों का जब पड़गाहन करते हैं तो ही तिजोरियां भर पाते हैं। नीति है, इस शास्त्र में कहा कि जो लोग मुनि का पड़गाहन करने के, मुनि के आहार के बाद आहार करते हैं, वो जिंदगी में कभी भी भूखे नहीं मरते। मतलब देव शास्त्र गुरु की आराधना के मंगल पल, मंगल अवसर आप जीवन में भुनाते रहें, इनका सदुपयोग कर रहते रहें, यही मंगल भावना। संध्या काल बैठ कर के थोड़ा सा स्वाध्याय भी जरूरी है, पाठशाला भी जरूरी है, ताकि आगामी पीढ़ी को भी संस्कार मिलते रहें। और हम तो समझते हैं यदि माँ बाप संस्कारित हैं तो बच्चे आप वहाँ ही संस्कारित हो जाते हैं, तो खुद के जीवन को भी समतौल बना करके सही मार्ग पर बढ़ते रहें। जय बोलिए, वासुपूज्य भगवान की, विमलनाथ भगवान की। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ।
फेसिंग देम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। समस्याएं जिंदगी का पार्ट है। और उससे मुकाबला करना ये जिंदगी का आर्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें समस्या ना हो, परेशानी ना हो। संसार का मतलब ही परेशानियों का घर है। दुनिया में ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जिसे कोई समस्या ना हो, जिसे कोई परेशानी ना हो। बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी दुविधाएं हैं। लेकिन जो इस पार्ट को आर्ट में बदल लेता है वो सुखी हो जाता है। और इसे पकड़ के बैठा रहता है वो परेशान रहता है। हर समस्या के तीन समाधान होते हैं। सबसे पहली बात, स्वीकार कर लें ऐसा होना है। दूसरी बात, बदल दें। और तीसरी बात, ना स्वीकार कर सकते हैं ना बदल सकते हैं तो भाग्य भरोसे छोड़ दें, समय पर टाल दें कि जो होना होगा सो होगा। सुखी रहने का तरीका यही है। कि या तो जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहें, या फिर जो आप जिसमें आप संतुष्ट हो सकते हैं उसे प्राप्त कर लें। संतुष्ट होने योग्य यदि प्राप्त नहीं हो सकता है तो फिर इसे भाग्य पर टाल दें कि जब मिलना होगा तब मिलेगा, जब होना होगा तब होगा। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं, इसलिए जिंदगी की समस्याओं से परेशान होते हैं। अगर उन्हें अपनी ताकत समझ में आ जाए तो परेशानियां समाप्त हो जाती। आपको मालूम होगा रामायण में हनुमान जी एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं कि जिनकी शक्तियां बहुत हैं, लेकिन उन्हें भूलने की आदत है। ऐसी कहानी आती है कि किसी ऋषि ने उन्हें साप दे दिया कि मौके पर तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे। और जब सिद्धार्थ जी की खोज की बात आती है, खोज करने कौन जाएगा? सब लोगों ने कहा सबसे ज्यादा पावरफुल हैं तो अंगद, चतुर हैं, चालाक हैं, ताकत वाले। लेकिन अंगद जी ने कहा कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। रावण के सामने जाना और इस तरह से बड़ा मुश्किल काम है, और सीता जी की खोज करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो खोज किसने की? हनुमान जी ने। अंगद गए, बाद में गए एक बार दूत बन के, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब कुछ पुरखों ने उन्हें याद दिलाया कि आपकी तकती, आपकी ताकत, आपकी शक्ति बहुत है, आपको कौन परास्त कर सकता है, आपके लिए सब कुछ सहज सरल और आसान है। ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता है? तब उन्हें याद आया कि हाँ, मुझ में बहुत सारी शक्तियां हैं। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं,
इसलिए वे दुनिया की समस्याओं से परेशान होते हैं। और अगर उन्हें पता रहे कि मुझसे हो सकता है, ये काम मैं कर सकता हूं। कई लोग नियम संयम से इसलिए दूर दूर भागते हैं, मुझसे कैसे होगा, जबकि इंसान में तो वो ताकत है कि आत्मा से परमात्मा बन जाए। समस्याओं के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं। जब समस्याओं पर फोकस करते हैं तो हम उसके लिए बहाने भी ढूंढ लेते हैं कि हाँ, ये समस्या हल नहीं हो सकती है, इसमें ये बाधा है, इसमें वो बाधा है, और इसे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब समाधान के बारे में सोचते हैं, समाधान पर फोकस करते हैं, तो रास्ते मिलते हैं। समस्याओं पर फोकस करने से बहाने मिलते हैं और समाधान पर फोकस करने से रास्ते मिलते हैं। अगर हमने ठान लिया कि हमें दिल्ली जाना है तो समाधान एक कैसे होगा, एक कैसे तय होगा। और अगर हमने सोच लिया कि नहीं जाना है, बहुत दूर है, बहुत कठिन है, तो बहाने भी सूझ जाएंगे। अगर पानी बरसने जैसा है तो कहेंगे पानी बरसने की संभावना है, कैसे व्यवहार होगा। अगर धूप निकल गई तो इतनी भयंकर गर्मी है और कैसे व्यवहार होगा। और फिर दूरी तो दूरी है ही है भाई, 400 किलोमीटर कौन चलेगा। फिर समय इतना कम बचा है, फिर किसी का अंतराय है, किसी का उपास है, कोई बीमार है, कोई कमजोर है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर निश्चय ये किया है कि ऐसा करना है, तो फिर क्या होगा, चाहे समस्याएं मुश्किलें कितनी आए, तो भी अंततः सफलता हासिल हो जाएगी। आपके लिए भी सोचे, जीवन में बहुत बार इस तरह के अवसर आते हैं कि जब निराश हो जाते हैं, जबकि अगर थोड़ी सी कोशिश और की जाए, थोड़ी सी मेहनत और की जाए, और ज्ञानी विचार करना, जिंदगी समस्याएं तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, असली समस्या तो हमारे अपने परिणामों की है। अभी आप सुन रहे थे मुनिश्री से, शुभोपयोग अशुभोपयोग,